ज्वालामुखी उपमंडल के अदवानी पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार ने 5 वर्षों से गांव में बिजली की समस्या से जूझने का आरोप जड़ा है। बिजली की समस्या उत्पन्न होने से सभी गांववासी इकट्ठा हुए और बिजली विभाग से समस्या के समाधान को उप प्रधान के माध्यम से आगे रखा। उप प्रधान ने बताया कि गत रात को बिजली की केबल कट जाने से गांव के एक घर की छत पर टकराई और घर पर गिरी और केबल में आग भी लग गई थी, जिस वजह से घर में करंट की स्थिति बन गई। गनीमत ये रही कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ और घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उनका कहना है कि मेन ट्रांसफार्मर से 4 पंचायतों अदवानी, घुरकाल, जखोटा, धनोट के लिए सप्लाई जाती है, पर गर्मियों में प्रतिदिन बिजली की कट लग रहा है। दिन हो या रात, कभी भी बिजली चली जाती है और गाँव वासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि गांव में बच्चे, बूढ़े व महिलाओं को बहुत परेशानी होती है और छत पर या वृक्ष के नीचे दिन रात गुजारते हैं। पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार ने सभी गांववासियों की तरफ से बिजली विभाग से मांग की है कि यहां अलग से सब स्टेशन बनाए जाए और सभी गांववासियों की समस्या का समाधान किया जाए। उप प्रधान ने ये भी बताया कि 5 दिन पहले 2 दिन व 2 रात बिजली की सप्लाई ठप रही तो लोगों ने जनरेटर भाड़े पर लेकर बिजली का प्रबंध किया। मैं अशोक कुमार, उप प्रधान अदवानी पंचायत से। थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था बिजली के माध्यम से। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर था पीछे, वो एक मेजर ट्रांसफार्मर है, वहाँ से सप्लाई जो है 3-4 पंचायतों को जाती है। वो ट्रांसफार्मर जो है छोटा है, इस करके वहाँ से तारा सड़ जाती हैं, जैम्पर उड़ जाते हैं, फ्यूज चले जाते हैं वहाँ के, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चला हुआ है। गर्मी का मौसम है, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, इवन कि कई लोगों ने तो एसी भी लगा रखे हैं। तो कई जगह तो सिंगल फेस की तारें, सिंगल फेस है, कई जगह थ्री फेस है। थ्री फेस तो लोड उठा लेते हैं, जैसे एसी लगा हुआ है वो लोड उठा लेते हैं। तो ये हमारी समस्या जो है, हर दिन कई बार दिन को भी लाइट चली जाती है, शाम को आती है 5 बजे, आती ही नहीं है, कई बार 2-2 दिन नहीं आती है, 4-4 दिन भी हो जाते हैं। इसलिए मैं डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल बोर्ड डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी 4 पंचायतों की समस्या आई है। 4 पंचायतें मैंने रखी हैं, जैसे हमारी अदवानी पंचायत, जुगोटा पंचायत, गुरकाल पंचायत, धनोट पंचायत। आप इन 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 लोगों की समस्या सुनिए। मैं एसडी साहब से, एक्शन साहब से, एससी साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप एसडी साहब या एक्शन साहब यहाँ मौके पर आएँ, यहाँ इन लोगों की समस्या सुने, मौके पर आकर देखें यहाँ का क्या समस्या है ट्रांसफार्मर या बिजली की तारों की। ये साथ में हमारा एक मकान है यहाँ पर, ये बेचारे भाई साहब। इस बारे में विद्युत सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया कि उनके ध्यानार्थ समस्या आई थी केबल टूट जाने से, जो समस्या आई थी उसे बहाल कर दिया गया है। बाकी गांव के प्रधान व उप प्रधान से मिलकर बिजली के कारण हुई समस्या का समाधान किया जाएगा और सभी गाँव वासियों को बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से की जाएगी। अदवानी में लोग इकट्ठा हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमने पता लगने के बाद सुबह 7:30-8 बजे के करीब ना आदमी भेज दिए हैं, 6:30 बजे कन्फर्म धनोट वगैरह मैंने खुद की थी, सप्लाई वहाँ पे ओके थी, पर लखवाड़ के बारे में मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, जो बाद में जेई से कन्फर्म हुई है। ठीक है, तो अभी आदमी जो है भेज दिए गए हैं, जेई साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर, अगर केबल शॉर्ट हुई है, पैसा पता लगे तो वहाँ पर केबल शॉर्ट हुई है तो नई केबल डाल दी जाएगी, सिस्टम को फिर चालू किया जाएगा, बाद में जो भी यथासंभव होगा वहाँ पर उसका सुधार किया जाएगा। जैसे कि पब्लिक से कोऑर्डिनेशन की अपील की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट समस्या का हल जो है पोल लगने के बाद ही होगा, क्योंकि केबल को वहाँ से हटाना पड़ेगा और लाइन की एक्सटेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, लाइन की।